जी नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है एक बार सभी स्टूडेंट्स का एजुकेटर्स प्लस परिवार में। मैं हूं सचिन। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो सभी लोग एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाए, शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग, प्रणाम, सभी को प्रणाम। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। और बस एक चीज जरूर याद रखो, जैसे किसान जो होता है ना, उसकी जब फसल खेतों में पड़ी होती है और जब बिल्कुल सब तैयार होता है और आंधी पानी बादल ये सब आना शुरू होता है, तो इस समय किसान को अपनी फसल की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा करनी पड़ती है। नहीं तो मालूम पड़ा कि पूरे वर्ष की मेहनत, पूरे सीजन की मेहनत उसकी मिट्टी में मिल जाए। यही हाल आजकल स्टूडेंट्स का हो रहा है। आपने जो अभी तक की मेहनत की है वो मेहनत खराब हो सकती है यदि आप इस समय अपने को संतुलित नहीं कर पाए। इसलिए अब सीट्स का पता पड़ ही गया है, जो बीएसटी ईपीएस वाले बच्चे उनके लिए बोल रहा हूँ, सीट अकाउंटेंसी वाले, सीट का पता पड़ गया है। जो भी करना है आपने आज कर ही लिया है, और एक बार करने के बाद अब दोबारा उसमें सोचना मत और पढ़ाई शुरू कर दो। ये जो समय है ना, ये बिल्कुल इधर उधर गंवाना नहीं है, सीधे पढ़ाई पर आते हैं। अनावश्यक इधर उधर बिल्कुल अब सोचने की जरूरत नहीं है, जो होना है वो हो चुका है। अब केवल हमारी बारी है कि हम कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, राइट। और इसी चीज को देखते हुए आज से आपके करंट अफेयर के सवालों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, और आने वाले एग्जाम तक आपका करंट अफेयर पिछले 7-8 महीने का हम यहीं पर अपने इसी एजुकेटर प्लस के प्लेटफॉर्म पर जीएस के साथ कराएंगे, ताकि आप लोगों का हम लोड कम कर सके और आप लोग अपना समय पढ़ाई पर दे सके। इस समय इधर उधर भटककर चीजों को इकट्ठा करने का नहीं है, इस समय जो आपके पास है उसको पढ़ना और रिवीजन करना ये ज्यादा जरूरी है। बाकी प्रैक्टिस आपकी और जो करंट अफेयर है इस पर हम काम कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है उस पर पहले काम करो और बिल्कुल समय खराब मत करो। जो आपके मन में आया वो आपने चूज कर लिया है, एप्लीकेशन आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, नहीं करा तो आज कर देना रात में, नहीं तो कल जो है और ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि लोड बढ़ जाएगा ऐप पर, सर्वर पर, इसलिए ठीक है। और बस ये ध्यान रखना, किसी भी, देखो यूपीएससी में 700-800 सीट होती है, पूरे देश का कंपटीशन होता है उसमें, राइट। अगर आपकी 100 सीट भी है ना, तो इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करो, उसमें कामयाब आप होंगे, बशर्ते कि समय को इधर उधर जाया ना करें, ठीक है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, बढ़िया से काम करते हैं, मेहनत से करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। ये एग्जाम आपका नहीं है, मेरा भी है, हम सबका एग्जाम है, सब मिलके पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, बीपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं, जहां जहां जीएस आया है, सारे सवाल हम लोग यहां पर यूट्यूब पर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं, फ्री लीगल एड से शुरू करते हैं। आज मिश्रण मिलेगा आपको अच्छा खासा। फ्री लीगल एड इज ए स्टेप टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ बीपीएसपी। याद रखना, जीएस में खासकर जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं, वहां पर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पंचायती राज संस्था की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सूची की दिशा में एक कदम है। चलिए तो यहां पर दो सवाल आपके बन रहे हैं, हिंदी में अलग बन रहा है, अंग्रेजी में अलग बन रहा है, और मैं चाहूंगा आप दोनों के सवाल के जवाब दें। आप एक सवाल का जवाब देंगे प्री लीगल एड में क्या बनेगा, और एक आपका सवाल बन रहा है, वो बन रहा है पंचायती राज की बात किस अनुच्छेद में होती है, पंचायती राज की बात किस अनुच्छेद में होती है। दो सवाल आपके बन रहे हैं, ठीक है, पंचायत राज की बात किस अनुच्छेद में होती है। तो हमारा मकसद आपसे जवाब लेना कम है और समझना ज्यादा है। तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 और 39A, 39A क्या रहेगा, 39A, ध्यान रखना, अनुच्छेद भी लिख दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अनुच्छेद भी लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 40 में पंचायत की बात हो रही है और फ्री लीगल एड की बात हो रही है 39A में, राइट।
और आर्टिकल 51 में किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल पीस की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें जो शांति बनाए रखने की बात करना है वो 51 में बात हो रही है, 48 ए में पर्यावरण की सुरक्षा की बात हो रही है, वन्य जीव की सुरक्षा की बात हो रही है, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, और याद रखना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी हमने पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, जल्दी से बताएं। और 39 ए ये जो है आपका प्री लीगल एड की बात करता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 39 ए हो जाएगा लीगल एड की के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर होगी बात, इन सभी अनुच्छेदों को एक बार जल्दी से पढ़ लो और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है गुलाबी क्रांति के जनक कौन से है, फास्ट रिविजन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ध्यान रखना है गुलाबी क्रांति के जो जनक है उनकी बात पूछी गई है, सेन पित्रोदा, दुर्गेश पटेल, हीरालाल और निरपंक जी, तो ध्यान रखना आपका जो सही जवाब होगा गुलाबी क्रांति के लिए, तो गुलाबी क्रांति के लिए आपका सही जवाब होगा दुर्गेश पटेल, क्या जवाब होगा दुर्गेश पटेल होगा। और बेटा याद रखना भारत के अंदर अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत की है, भारत में अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है, कौन सा राज्य है उत्तराखंड है, अभी हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया भी था, तो यहां पर जवाब है दुर्गेश पटेल। आपको एक एक नाम याद रखना है, ये वैसे अलग से भी देख सकते हो और वैसे मैंने आपके लिए लिस्ट भी बना दी है, इनको पढ़ लो अच्छे से, आज के बाद ये सवाल कभी भूलना नहीं है आपको, कभी भी ऐसा सवाल आएगा मैंने सारे जितने संभावित हैं सभी नाम एक साथ लिख दिए ताकि आपको ये याद रहे। सेन पित्रोदा पीली क्रांति के जनक, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, एम एस स्वामीनाथन को अभी हाल ही में भारत रत्न अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है, और लाल कृष्ण आडवाणी जो को भी किया है आपने पढ़ाई है, वर्गीस कुरियन जी श्वेत क्रांति के जनक है, निरफक टूटज ये स्वर्णिम क्रांति के जनक है, और गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल है, राइट, और इसके बाद हीरालाल चौधरी की बात करें तो ये नीली क्रांति के जनक है। आप ईयर मत भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ईयर से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, जितने भी ये जनक हमने बताए हैं सारे आपको लर्न रखने हैं, याद रखने हैं, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गई बात। श्वेत क्रांति दुग्ध से रिलेटेड है, हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है, पीली क्रांति आपकी जो है तिलहन से रिलेटेड है, ध्यान रखना, क्लियर है, और स्वर्ण क्रांति स्वर्णिम क्रांति किससे रिलेटेड है, स्वर्णिम क्रांति ऑप्शन में बताएं किससे रिलेटेड है, गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है, जितना लिखोगे कमेंट में उतना ही आपको याद रहेगा, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है, गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है, प्याज से रिलेटेड है, ओनियन किससे रिलेटेड है, ओनियन से रिलेटेड है, ध्यान रखना, क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेटा पीवी नरसिम्हा राव जी को बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th अगस्त 1946 ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, बताएं क्या होगा सही जवाब, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ग्रेट बंगाल पार्टी, मोर देन वन, बताएं क्या होगा सही जवाब, बहुत बढ़िया बेटा शाबाश, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करें फास्ट बेटा, गला आज बिल्कुल सही रहेगा, टेंशन मुक्त रहो, काढ़ा पी के आइए रामदेव बाबा जी का, ठीक है, तो बिल्कुल तनाव मुक्त रहिएगा, हम भी तनाव मुक्त रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आने वाले समय में जो है फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है मुस्लिम लीग, सबको पता है मुस्लिम लीग ने, आपको याद होगा जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और कैबिनेट मिशन एक तरीके से देखा जाए तो पास भी था और फेल भी था, पास ऐसे था कि कैबिनेट मिशन ने पहले तो रजामंदी बना ली थी सभी की, और उसके बाद आपको पता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना भी हुई है,
लेकिन आपको पता है शुरू से ही मुस्लिम लीग ने उसको बॉयकॉट किया था, और ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है ये इसी चीज के लिए किया गया था कि हमें एक इंडिपेंडेंट जो है मुस्लिम स्टेट चाहिए। और ये वो दिन है जिस दिन बहुत जबरदस्त तरीके से मास किलिंग हुई थी कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता मास किलिंग ईयर के रूप में भी ये समय जाना जाता है। तो यहां पर जवाब है मुस्लिम लीग, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी वॉज साइंड ड्यूरिंग जैव विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, बताएं क्या होगा सही जवाब, व्हाट शुड बी द राइट राइट आंसर, क्या हुआ था सही जवाब बताएं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा उद्धार दिवस वाला भी याद रखना, जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से उद्धार दिवस मनाया था वो समय कौन सा था, वो समय आपका 1939 का था, दिसंबर का महीना, वो अलग टाइम है और ये आपका 1940 का डायरेक्ट एक्शन डे है। ठीक है, यहां पर जवाब दे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी की बात हो रही है, ध्यान रखना अर्थ समिट आपका 1992 में देखने को मिलेगा, और इस समिट का प्रोडक्ट खासकर, वैसे तो कई प्रोडक्ट हैं, कई सारे रिजल्ट निकले, जो जरूरी है आपको याद करना वो मैं लिख देता हूं, UNFCCC और आपका जो है सीबीडी, ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये बेसिकली सीबीडी बोला जाता है शॉर्टकट में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन है ये, 21वीं सदी का एजेंडा है, राइट। तो ध्यान रखना यहां पर एजेंडा 21 ये भी बाध्य नहीं है, UNFCCC भी बाध्य नहीं है, लेकिन सीबीडी ये आपका बाध्य है पार्टीज पर, ये आपका लीगली बाइंडिंग है। ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम का 1972 में हुआ है, जिसका परिणाम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो कि हेडक्वार्टर जिसका आपका नैरोबी में है, नैरोबी कहां पर है, नैरोबी आपका केन्या में है जो कि अफ्रीका का, पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट हुआ है और 2005 में प्रभावी हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है, प्रभावी कब हुआ है, 1989 का हुआ है। इसने क्या कहा था, इसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने का काम किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, बाद में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी 2047 तक हटाने की बात की गई है, कब की गई है, तो इसके लिए याद रखना किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सभी पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बेटा इससे संबंधित नगोया प्रोटोकॉल है, बहुत बढ़िया, नगोया प्रोटोकॉल सीबीडी से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। यूएनएफसीसी से रिलेटेड आपकी पेरिस ट्रीटी है, पेरिस ट्रीटी ये आपकी इससे संबंधित है, इसी से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल है, इससे यूएनएफसीसी से, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं, ये रियो समिट है 1992 की, ऑल डन, कोई दिक्कत परेशानी इशू हो तो बता देना। अगला सवाल, खैरगा की रानी का नाम किसके साथ जुड़ा था, ये खैरगा की रानी की बात हो रही है, ये मंडी कॉन्स्पायरेसी 1913 है, लाहौर कॉन्स्पायरेसी 1928 है, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी 1912 है, बताए मंडी कॉन्स्पायरेसी, बताओ फटाफट से कहां से जुड़ा है, एक बार सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें। कोई दिक्कत परेशानी इशू किसी भी प्रकार का बच्चे हो तो बता देना, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी इशू किसी भी प्रकार का हो तो बता देना। जी फटाफट बताओ क्या होगा सही जवाब, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो ध्यान रखना रानी ऑफ खैरगा, रानी ऑफ खैरगा आपकी मंडी कॉन्स्पायरेसी 1913-14 की ये कॉन्स्पायरेसी है, उससे जुड़ी है। खासकर अगर मैं कहूं तो
यहां जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था? मुख्य मुद्दा था एक तरीके से जिस मंडी जगह की मैं बात कर रहा हूं वहां के मंडी के जो कमिश्नर थे, वहां के जो कमिश्नर थे, जो अधिकारी थे, उनकी किलिंग का प्लान बनाया गया था। तो यहां पर मंडी कॉन्स्पायरेसी की वजह से रानी जो थी वहां की खैरगा की, उनको जो है यहां इंप्रिजनमेंट हुआ था, कैद हुई थी। तो ये आपका सही जवाब है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी की बात करें, लाहौर कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल बेटा 1928 का लाहौर कॉन्स्पिरेसी है, जहां पर आपको याद होगा ये भगत सिंह से जुड़ा मामला हो गया। तो जो लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी, एक तरीके से लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह का जो प्लान था ये उसी से रिलेटेड है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1928। और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी भी आपको पता ही है, जब रास प्यारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्लान बना था दिल्ली के अंदर। तो ये आपके अलग अलग कॉन्स्पायरेसीज है, ऐसे कॉन्स्पायरेसी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मेरठ का कॉन्स्पायरेसी पूछा जाता है, कानपुर का कॉन्स्पायरेसी पूछा जाता है, कलकत्ता का कॉन्स्पायरेसी पूछा जाता है, ऐसे ही आपके ये भी तीनों महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जवाब है मंडी। क्लियर है बात? बिल्कुल ठीक है सुनील जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल अगला सवाल है, यहां पर कुछ जगह दे रखी है, साइट्स दे रखी है, और यहां पर कुछ राज्य दे रखे हैं। आपको साइट और राज्य इनको आपस में मैच करके जवाब देना है। बताओ क्या होगा सही जवाब? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या होगा सही जवाब बताएं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जल्दी जल्दी से रिप्लाई करें, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? पहला आपका कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, दूसरा है हमीरसर लेक, तीसरा है सिंपलीपल, चौथा है आपका लोकटक लेक। बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर, मैचिंग करो फटाफट से, जल्दी से रिप्लाई करें, क्या होगा सही जवाब? सोनू यूजर 123, यूजर 123 सोनू बेटा, अब सिटी के चक्कर में मत पड़ो, अब फार्म भर दो, जो भी होगा देखा जाएगा, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दो बेटा, नहीं तो सीट के चक्कर में कई दिन खराब कर चुके हैं बच्चे सिर्फ इसी के चक्कर में, है ना। तो अब पढ़ना शुरू कर दो, अब जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई और मेहनत श्रम ये हमारे हाथ में है, वो काम हम करेंगे। तो यहां पर जो जवाब जा रहा है वो क्या जा रहा है जल्दी से बताएं। देखो लोकटक लेक कहां पर है? लोकटक लेक मणिपुर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपलीपल आपका उड़ीसा में है, सिंपलीपल आपका उड़ीसा में है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या था? कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, कहां पर है? तमिलनाडु। एक का बी दो जगह है, तीसरे का ई दो जगह है, और क्या था? चौथे का कहां पर गया? लोकटक का ए, ये भी दो जगह है, ये सेम सवाल कैसे बन गया? अच्छा ठीक है। अब आते हैं हमीरसर लेक में, ये बेटा गुजरात में है, हमीरसर लेक जो है ये आपका गुजरात में है, तो दूसरे का सी बन जाएगा, दूसरे का सी। तो जो बच्चे दूसरे का सी दे रहे हैं वो बिल्कुल क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत परेशानी इशू हो बेटा तो बता दे, ऑल डन, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्याकुमारी किस केले की मूल प्रजाति के लिए इसमें भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? विच बनाना वैरायटी नेटिव टू कन्याकुमारी हैज बीन ग्रांटेड ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, कैवेंडिश बनाना, प्लांटेन बनाना, एप्पल बनाना और मेथी बनाना। ये सवाल आपका इस तरीके का पूछा जाता है, GI टैग के बारे में ये सवाल है। अभी हाल में पिछले 6-7 महीने के अंदर जिन जिन चीजों को GI टैग मिला है उनके सवाल आपको याद रखना, ठीक है ना। तो आप एक और कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि बिहार में किस पर्टिकुलर आइटम को GI टैग दिया गया है हाल ही में, इसका जवाब बताएं, क्योंकि ये सवाल मैंने कराया भी था। तो यहां पर जो जवाब है वो है मेटी,
मैटी बनाना इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, मैटी बनाना इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आपका जो है होता है, यानी कि एक्वेरिन अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ करता है, एक्वेरिन अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ करता है, पहली बात। और दूसरी बात एक और चीज, मिर्चा चावल मंजीत जी बहुत बढ़िया बेटा, शब्बास मधुबनी पेंटिंग बहुत बढ़िया। अगला सवाल मैंने पूछा किस देश के साथ भारत का एक्वेरिन जो सैन्य अभ्यास है वो होता है, मालदीव, फ्रांस, रशिया या फिर इंडोनेशिया। ध्यान रखना ये सवाल आपके जो एक्सरसाइज वाले हैं जरूर पूछे जाते हैं, एक सवाल जरूर बने, इसलिए ज्यादातर एक्सरसाइज के सवाल हमने पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे ताकि ये सवाल आपका छूटे नहीं। और आपको बताना है मालदीव के राष्ट्रपति का नाम भी बताना है, और आपको ये भी बताना है अभी हाल ही में मालदीव ने भारत के जो वहां सैनिक थे, जो भारत ने अपना एक वहां पर ठिकाना बनाया हुआ था, खासकर एक तरीके से पड़ोसी देश के अंदर ठिकाना बनने का मतलब यह कि उसकी भी सुरक्षा और हमारी भी सुरक्षा, उसको भी इन्होंने भारत की सेना को वापस भेजने का काम किया है मालदीव ने, और मालदीव के साथ ही भारत का एक्वेरिन अभ्यास भी होता है। तो यहां पर जो जवाब है वो है आपका मालदीव। क्या आंसर होगा? मालदीव इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इशू हो तो बेटा बता। अगला सवाल, इनमें से बेटा कौन सा ब्लॉक माउंटेन नहीं है, यह सवाल एग्जाम में आ चुका है बेटा, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन कौन सा नहीं है, उराल माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, सतपुरा रेंज, मोरदन बन, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, बताएं क्या होगा सही जवाब, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। संजय जी ये एक्वेरिन जो शब्द है, मालदीव का जो शब्द है, ये खासकर इसका मतलब जो है वो वॉर से रिलेटेड है, ये युद्ध से संबंधित शब्द होता है, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन की यहां पर बात हो रही है, ब्लॉक माउंटेन की बात हो रही है। ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं? ब्लॉक माउंटेन हमेशा याद रखना, इसमें जो बीच का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा आपका लो लाइंग हिस्सा होता है, और जो इधर उधर का हिस्सा होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका अपराइज होता है। अपराइज मतलब उठा हुआ, यानी कि इसके इधर उधर का जो हिस्सा होता है वो आपका उठा हुआ होता है, और जो बीच का हिस्सा होता है ये आपका कैसा होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, लो लाइंग होता है, इसीलिए इसको रिफ्ट वैली कहते हैं, इसीलिए इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। तो ध्यान रखना ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन हमेशा साइड्स में उठे होते हैं और अंदर की तरफ यानी कि बीच में ये थोड़ा सा जमीन की तरफ यानी कि थोड़े से धसे होते हैं, और इससे रिफ्ट क्रिएट होती है। ये बनता कैसे है? जब रॉक्स आपस में दो चीजें खिसकती हैं, तो जब ये एक दूसरे से स्लाइड करती हैं, स्लाइड पास्ट करती हैं, तो इस प्रकार से फ्रैक्चर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? ये फ्रैक्चर होता है। ध्यान रखना भारत के अंदर जो विंध्यान है, भारत के अंदर जो विंध्यान रेंज है और भारत के अंदर जो सतपुरा रेंज है, ये दोनों ही आपके ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। ये दोनों माउंटेन आपके ब्लॉक माउंटेन कहे जाते हैं। एक माउंटेन होता है जो कि आपका रेलिक माउंटेन कहा जाता है। कौन सा माउंटेन कहा जाता है? रेलिक माउंटेन। रेलिक माउंटेन का मतलब ही है जो अवशेष बचा है, जो अवशेष है, जो बहुत पुराना माउंटेन है, धीरे 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 डिग्रेडेशन हो रहा है उसका, धीरे धीरे उसकी वेदरिंग हो रही है, और वो आपका एक तरीके से अब अवशेष के रूप में देखा जाता है। तो ये जो माउंटेन है रेलिक माउंटेन, ये हमारे देश में कौन सा है? अरावली माउंटेन। ये एक रेलिक माउंटेन है जो अब अवशेष बचा हुआ है, राइट। और अगर हम बात करें यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की, तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है ये जर्मनी के अंदर है। कहां पर है? जर्मनी के अंदर है, और ये भी एक रिफ्ट क्रिएट करता है, यानी कि ये भी एक तरीके से आपका ब्लॉक माउंटेन है। तो ये दोनों ही ब्लॉक माउंटेन देखने को मिल रहे हैं।
दोनों ही ब्लॉक माउंटेन देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है फोल्डेड माउंटेन। जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज होती हैं, जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज होती हैं, ये इंडोजेनेटिक फोर्स होता है अंदर से, उसकी वजह से ये जो कन्वर्ज होती हैं, इससे फोल्ड माउंटेन बनता है। तो उराल माउंटेन आपका फोल्ड माउंटेन है जो कि रशिया में है। कहां पर है? रशिया में है। और ये एक तरीके का कैसा माउंटेन है? ये आपका फोल्ड माउंटेन। तो सवाल पूछा था कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, उराल माउंटेन। कौन सा आंसर होगा? उराल माउंटेन। इसी तरीके से दुनिया के अंदर आपको वॉल्केनिक माउंटेन भी देखने को मिलते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन की बात करें तो ये वो माउंटेन है जो आपको पता है अर्थ के अंदर आपको क्रस्ट देखने को मिलती है, फिर मेंटल देखने को मिलता है, फिर कोर देखने को मिलता है। तो मेंटल में आपको जो मोल्टन मैग्मा होता है, यहां पर जहां भी वीक जोन होता है वहां से ये ऊपर की तरफ आता है और ये दूर तक फैल जाता है, लावा जिसको हम बोलते हैं लावा, राइट। इस तरीके से एक माउंटेन का रूप ले लेता है। ऐसा माउंटेन आपका कैसा बोला जाता है? वोल्केनिक माउंटेन बोला जाता है। वोल्केनिक माउंटेन का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साउथ अफ्रीका में कौन सा माउंटेन है जो ब्लॉक, जो आपका वोल्केनिक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि बहुत ही फेमस है और वो कई बार सवाल पूछा जा चुका है और मैं भी उस सवाल को आपको करा चुका हूं। तो बताएं, तो यहां पर जो जवाब था वो था उराल माउंटेन। कौन सा जवाब था? उराल माउंटेन। हाँ बेटा, दक्षिण अमेरिका का जो एंडेस माउंटेन है वो भी आपका फोल्ड माउंटेन है, ध्यान रखना। आपका यूरोप का जो अल्प माउंटेन है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। भारत का हिमालय माउंटेन है वो फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही लिखा है बेटा अंशिका। बैरन ये भी आपका, आइसलैंड वैसे बोला जाता है ये, बट ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, वोल्केनिक है। और किलिमंजारो, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। किलिमंजारो ये आपका एक तरीके से वोल्केनिक माउंटेन है जो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दैट इज सिलिंगा राफेल। सिलिंगा राफेल वोल्केनो जो कि हाल ही में न्यूज में था, अभी हाल में अगर आप न्यूज पढ़ोगे कुछ दिनों पहले की, तो आपको ये जो ज्वालामुखी है जो कि सिलिंगा राफेल ज्वालामुखी बहुत ज्यादा भी न्यूज में रही, अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी तो सिलिंगा राफेल जो आपका वोल्केनो है वो किस देश में देखने को मिलता है? बताए किस देश में देखने को मिलता है? फिलीपींस में देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में, रशिया में, या आइसलैंड में? बताएं। अंशिका का जवाब आया था, सुनील का जवाब आया था, गुंजन, मधु, परवीन, सोनी, अनामिका, रंजीत और शकील, इन सभी का जवाब आया था वोल्केनिक माउंटेन का जवाब। बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो जवाब होगा वो क्या होगा, याद रखना, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो प्रशांत महासागर में देखे जाते हैं। कहां पर देखे जाते हैं? प्रशांत महासागर में। फिलहाल इस सवाल का जो जवाब है वो है आइसलैंड। इस सवाल का जवाब क्या है? आइसलैंड। आइसलैंड में ये वोल्केनिक इरप्शन अभी हाल ही में हुआ था। क्लियर है बात? ज्यादातर वोल्केनिक इरप्शन के सवाल आएंगे तो आपको जो जवाब देखने को मिलेंगे उनमें इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, फिलीपींस देखने को मिलेगा, आइसलैंड देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन रशिया देखने को रियरेस्ट मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में नहीं कह सकते क्योंकि इसको लगभग 4-5 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको, मैंने बताया मैं पिछले 8 महीनों की न्यूज को कवर करूंगा आपके एग्जाम तक। पिछले 8 महीने की न्यूज को हम कवर करेंगे आपके एग्जाम तक। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत हम लोग करेंगे, आपके लिए करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने विषय पर, जीएस पर ज्यादा ध्यान दे दें, ठीक है। तो ज्यादा समय
आपका ना खपे इसलिए थोड़ा समय हम भी खपाएंगे और आपके लिए जो है कुछ सवाल अच्छे से अच्छे बनाएंगे ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत ज्यादा ना हो। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर आ जाए, इस सवाल का क्या जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल का क्या जवाब होगा। मोहम्मद आजम जी, कूपन कोड बेटा अब जो है ज्वाइन 10 है, तो इस सवाल का जो जवाब है बेटा वो क्या होगा। पीएम जीवन ज्योति इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और ये है हर घर जल प्रोग्राम। तो याद रखना, हर घर जल प्रोग्राम इज द राइट आंसर, हर घर जल प्रोग्राम इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, हर घर जल बेटा आजम बेटा, ये है कूपन कोड ज्वाइन 15, ये कूपन कोड ज्वाइन 10 आपका कूपन कोड है। ठीक है, ज्वाइन 10। चलिए, हर घर जल प्रोग्राम इज द राइट आंसर, याद रखना, अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में है, इनमें से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग है, कौन सा राज्य का पत्राचार विभाग है बताएं, कौन सा राज्य का पत्राचार विभाग है बताओ फटाफट से। दीवाने इंसा, दीवाने खैरात, दीवाने बंदागन और दीवाने कोही, बताएं क्या होगा सही जवाब। याद रखना, ये सभी आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पर देखने को मिलेंगे, जिसमें दीवाने कोही कृषि से संबंधित है, दीवाने बंदागन ये बेसिकली आपका स्लेव्स से रिलेटेड है, स्लेव्स जो होते हैं दास, और दीवाने खैरात ये चैरिटी से रिलेटेड है, चैरिटी दान, दीवाने इंसाह ये आपका पत्राचार से रिलेटेड है। तो यहां पर जो जवाब होगा वो दीवाने इंसाह होगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये चैरिटी से संबंधित है, ये आपका स्लेव से संबंधित है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो इसमें शायद मैंने लिखा भी है, हाँ, दीवाने बंदागन जो है स्लेव डिपार्टमेंट हो गया, दीवाने अर्ज ये मिलिट्री से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, ये बलवान के द्वारा शुरू किया गया था, दीवाने विजारत ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है, ये भी बलवान के द्वारा शुरू किया गया था, और जो ये स्लेव है, स्लेव दास वाला जो विभाग है ये शुरू किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, ध्यान रखना, और चैरिटी यानी कि दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्लियर है बात, पढ़े आगे। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया गया था बताएं, क्या होगा सही जवाब बताओ फटाफट से, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करें सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किस तिथि को की गई थी, 1 जनवरी 1949, 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1948 और 12 जुलाई 1982। इसको रट लो बेटा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। तो 10 दिसंबर 1948, बहुत बढ़िया, 10 दिसंबर 1948। अच्छा, एक और चीज बताओ, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो परिभाषा गढ़ी गई थी, ये किस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम क्या था, जहां पर सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा पहली बार देखने को मिलती है, सस्टेनेबल शब्द की परिभाषा पहली बार प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती है ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट का नाम क्या था, यह सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बना हुआ है बताएं। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। 24 अक्टूबर
को क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन बना, संयुक्त राष्ट्र बना। 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, नबार्ड बना था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बना था। तो यहां पर जो जवाब था वो क्या था, ऑप्शन नंबर तीसरा बना। तो इसका जो रिपोर्ट का नाम है वो है अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सारा साझा भविष्य। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत परेशानी इशू हो बेटा तो बता दो, ऑल डन। चलिए आगे बढ़े। आजिम बेटा टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जवाब दे दूंगा बेटा। अभी ना इतना डिटेल में समझाने के लिए समय नहीं है, अभी बेटा यहां फोकस कर लेते हैं, ठीक है बेटा, डोंट वरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताएं क्या होगा सही जवाब। जल जनित रोग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग। अवर कॉमन फ्यूचर, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, जल जनित इंफ्लुएंजा, कोविड, पोलियो और डायरिया। कोविड के बारे में तो सभी जानते हैं, है? कोविड के बारे में शरीर सभी जानते हैं, तो बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब। तो डायरिया जो है जल जनित रोग है, याद रखना डायरिया आपका जल जनित रोग है। टाइफाइड आपका जल जनित रोग है, जबकि पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कोविड ये सभी आपके वायरस वाले रोग हैं, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल, लिस्ट वन और लिस्ट टू की आपको मैचिंग करनी है, जल्दी से रिप्लाई करें। बढ़िया सवाल है, फटाफट मैचिंग करो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बताओ क्या होगा सही जवाब, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या होगा सही जवाब। दादाबाई नारोजी की बात हो रही है बेटा, तो ध्यान रखना दादाबाई नारोजी 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, 3 प्रेसिडेंट, 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। गोखले जी कहां से आ गए, 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि एक का तीसरा। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है, एनी वेसेंट होम रूल मूवमेंट से जुड़ी थी। सर अरविंदो, ये आपके बहुत ही गरम दल के नेता थे, बाद में ये अध्यात्म में चले गए। लाल बाल पाल के साथी थे अरविंदो जी, ठीक है। तो यहां पर जो जवाब होगा बी का चौथा होगा और सी का दूसरा होगा, बी का पहला होगा और ए का तीसरा होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, बताएं क्या होगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा ब्लड क्लोटिंग की बात हो रही है, कौन सा ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, दैट इज विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो बेटा ध्यान रखना यहां पर जवाब होगा आपका विटामिन के, विटामिन के इज द राइट आंसर। क्या सही जवाब होगा, विटामिन के, ध्यान रखना। इसमें मैंने आपको जो अभी यहां पर बनाया है इसको एक बार घर पे रिवाइज कर लेना। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, विटामिन ए का कैपिटल नेम है रेटिनॉल, विटामिन बी वन का कैपिटल नेम है थायमीन, ये पूछ लिया जाता है, विटामिन सी का कैपिटल नेम, केमिकल नेम है आपका एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का आपका केमिकल नेम है कोलिकेरोफिल, ध्यान रखना कैलिसीफेरोल बोलते हैं, वैसे आप आधा याद कर लो तभी चलेगा, कैलिसीफेरोल, ठीक है, इनके ध्यान रखना ना। विटामिन डी की कमी से हड्डियों वाला रोग, ड्रिकेट्स का रोग होता है, स्कर्वी, विटामिन सी, बीबन से बेरी बेरी रोग होता है और नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए से। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है,
इसको एक बार अच्छे से देख लेना, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। अगला सवाल, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है? गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर, एल्टीमीटर और पैथोमीटर, बताए क्या होगा सही जवाब? फटाफट रिप्लाई करो, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर, एल्टीमीटर या फिर फैदोमीटर, बताए क्या होगा सही जवाब? फटाफट बताओ, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए बेटा ऐप में क्लास शुरू होने वाली है स्टेट्स की, जहां तक है कल या परसों से ऐप में क्लास चलेगी स्टेट्स की, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या सही जवाब होगा? सारे लोग एल्टीमीटर के पास जा रहे हैं, सारे लोग एल्टीमीटर के पास जा रहे हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर बताओ? अभी तक सब एल्टीमीटर की तरफ जा रहे हैं, क्या बात है। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर, गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर, गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और स्पीडोमीटर स्पीड की बात करता है, स्पीड को चेक करता है, और एल्टीमीटर हाइट, जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड उसको चेक करता है, ठीक है। दीपक दीप बेटा काहे को एक एक कमेंट बार बार कर रहे हो? बोल रहा हूं ना मैं, कल से स्टेट शुरू हो जाएगा ऐप पर, लो आराम से बढ़िया से एंजॉय करो कल से, है ना। एक घंटे के अंदर सचिन सर क्या क्या पढ़ाएंगे ये बताओ, है मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस स्टडीज, ओबी, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरमेंट, ईपीएस, बीएसटी के अंदर भी कई सारे टॉपिक है। थोड़ा ख्याल रखो, ऐप में क्लास हो जाएगी कल से शुरू आपकी स्टेट्स की, एंजॉय करो आराम से ऐप में, है ना। चलो आज करंट अफेयर के सवाल ज्यादा लेके आया हूं मैं, आज इसका एंजॉय करो, ठीक है। चलिए तो यहां पर जो जवाब होगा वो क्या होगा? आपका गैल्वेनोमीटर और पैदोमीटर, ये बेसिकली आपकी जो डेप्थ है, किसकी डेप्थ है बेटा? ओशियन की डेप्थ, गहराई, इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब ये सीट सीट का चक्कर छोड़ दो बेटा, आपके हाथ में सीट वाला मामला तो है नहीं, अब आपके मामले में, आपके हाथ में जो मामला है वो है अपनी कड़ी मेहनत का। तो बिल्कुल माइंड को एकदम एकाग्र करके मेहनत करना शुरू कर दो, अभी पूरे 20 दिन है, इन 20 दिन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो नया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रत्येक जिले में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, बताए क्या होगा सही जवाब? बताओ फटाफट से बेटा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल बताए फटाफट से। हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला भारतीय राज्य, हॉलमार्किंग हर जिले में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला भारतीय राज्य, प्रत्येक जिले में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला भारतीय राज्य केरला, पहला भारतीय राज्य केरला, ध्यान रखना, पहला भारतीय राज्य केरला होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब आपका शुरू होता है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, कब शुरू होती है? जल्दी से रिप्लाई करो सभी बच्चे, क्या होगा सही जवाब? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की बात हो रही है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA की बात हो रही है, बताए नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? जल्दी से रिप्लाई करें, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ध्यान रखना, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का आंसर होगा आपका 2003, क्या आंसर होगा? 2003, जो 2002 दे रहे हैं वो गलत है। आपको पता है बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया है बेटा? बायोडायवर्सिटी एक्ट आया है 2002 में, और इसके माध्यम से बना है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में, ध्यान रखना। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है, किसके तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू 1992 में क्या शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ है 1992 में, ध्यान रखना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ये बनी है 2006 में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बताएं विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस राज्य में स्थापित किया गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, सबसे बड़ी अमेरिका में थी पहले सबसे बड़ी, अब भारत में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, केरला में है या बिहार में है, बताएं क्या होगा सही जवाब। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी से रिप्लाई करें, कौन सा राज्य है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, विश्व की सबसे बड़ा कार्यालय आपका बना है, जिसका नाम है डायमंड बोर्स, डायमंड बोर्स, जिसका नाम है डायमंड बोर्स, कहां पर बना है, सूरत में बना है, कहां पर बना है, सूरत में बना है, ये डायमंड बोर्स कहां पर बना है, सूरत यानी कि हमारा गुजरात, कहां पर बना है, गुजरात में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से 2023 में फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है, ऑप्शन आपके सामने है, कैटलिन कैरिको, एंड्रू वीसमैन, या फिर आपके पाइल अगोस्टिनी या फ्रेंच क्रोच, ये दूसरा नाम है, तीसरा जॉन फोच और चौथा है आपका नरगिस मोहम्मदी, बताएं क्या जवाब होगा। मेडिकल नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, बताएं, ध्यान रखना इसमें ऐसे सवाल भी एग्जाम में आपके आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए नोबेल पुरस्कार के, पिछले 8 महीनों की न्यूज आपकी आ सकती है, तो ये सब आपका पुराना नहीं है, ये अभी अभी जो है 3-4 महीने पुरानी बात है, 4 महीने पुरानी, तो ज्यादा पुराना नहीं है ये, ठीक है, 3 महीने हुए होंगे, 3-4 महीने, तो इसलिए इसको पढ़ लेना। तो यहां पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1, ध्यान रखना, नरगिस मोहम्मदी जी को पीस, पीस शांति का नोबेल मिला है, देख लीजिए एक बार, यहां पर नरगिस मोहम्मदी जी को शांति का नोबेल मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल क्लॉडिया गोल्डन जो अमेरिका से हैं इनको मिला है, लिटरेचर जॉन फॉजी को मिला है, और फिजियोलॉजी और मेडिसिन कैटरीना कैरिको और ड्रू वीसमैन को मिला है, फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम भी दिए गए हैं। आपका पहला टारगेट है इनके नाम, जो विनर्स हैं उनके नाम याद रखना, वो किस किस नोबेल पुरस्कार के विजेता है, ये पहला टारगेट है, जब ये काम हो जाए तो समय मिले तो इस पर आप देख सकते हो, वैसे ये आपका पहला काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट, ऑल डन बेटा, कोई दिक्कत परेशानी इशू हो तो बेटा बता देना। अगला सवाल है बिस्कॉन के भारतीय परिचालन का अधिग्रहण करने के बाद कौन सा भारतीय समूह भारत का पहला आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है, बताएं क्या होगा सही जवाब, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, फटाफट बताओ बेटा क्या होगा सही जवाब। बिस्कॉन के भारतीय परिचालन का अधिग्रहण करने के बाद कौन सा भारतीय समूह भारत का पहला आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है, तो ध्यान रखना अभी कुछ समय पहले बिस्कॉन के इंडिया ऑपरेशन को, बिस्कॉन के इंडिया ऑपरेशन को जो है अधिग्रहण किया है टाटा ग्रुप ने, किसने किया है, टाटा ग्रुप ने किया है, ध्यान रखना, टाटा ग्रुप इज द राइट आंसर, क्या आंसर होगा, टाटा ग्रुप इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आ सकता है, तो भारत का पहला आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है हु रिसीव्ड 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, परोपकार और CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है,
जॉन चैम्बर्स, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, मुकेश एगी, बताएं क्या होगा सही जवाब। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या होगा सही जवाब बताएं, फटाफट रिप्लाई करो बेटा, क्या होगा सही जवाब। दैट इज नीता अंबानी, बिल्कुल ठीक है, नीता अंबानी को यह अवार्ड मिला था, नीता अंबानी को यह अवार्ड मिला था, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी इशू हो बेटा तो बता देना, ठीक है। नीता अंबानी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। विच सिटी इज नॉन एज टी सिटी ऑफ इंडिया, कौन सा शहर भारत का चाय के शहर के नाम से जाना जाता है, टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है बताएं। कोलकाता, गुवाहाटी, दार्जिलिंग और डिब्रूगढ़। दीपक दीप बेटा, बार बार लिखने से आप सामने वाले को सिर्फ इरिटेट करते हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं करते बेटा, होता हुआ काम फिर नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात बेटा। अगर जीएस पढ़ा रहे वहां पर बार बार कॉमर्स वाली चीज लिख के आप क्या बताना चाहते हो, ज्यादा होगा आप ब्लॉक हो जाओगे, फिर बिल्कुल हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कैसे स्टूडेंट्स होते हो आप ये बताओ, हद हो गई है, इसी एटीट्यूड से आप टीचर बनोगे आगे चल के, आई डोंट थिंक सो। टी सिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है बेटा, भारत का चाय का शहर, भारत का चाय का शहर बेटा, कोलकाता, गुवाहाटी, दार्जिलिंग, डिब्रूगढ़। तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा बेटा आपका, डिब्रूगढ़ इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ इज द टी सिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखना डिब्रूगढ़ इज द टी सिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2022, ये 2022 जरूर लिखा है लेकिन ये रैंकिंग बेटा 2023 में आई है, ध्यान रखना, ठीक है, मतलब 2023 में ये डेटा रिलीज हुआ है। तो भारत इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है बताएं, बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2022 के प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, उत्तराखंड, केरला, उड़ीसा या फिर आपका कर्नाटका बताएं। भारत इनोवेशन इंडेक्स में दो प्रकार से राज्यों की रैंकिंग की गई है, मुख्य राज्य और आपके दूसरे छोटे राज्य। इसमें ध्यान रखना ये 2022 जरूर लिखा है लेकिन इसकी रैंकिंग 2023 में रिलीज हुई है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। तो यहां पर जो जवाब होगा वो होगा कर्नाटक, कर्नाटक होगा, ठीक है, यहां पर ध्यान देना कर्नाटक इज द राइट आंसर। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, कर्नाटक नंबर 1 रैंक है, तेलंगाना नंबर 2 रैंक है, हरियाणा नंबर 3 रैंक है, टॉप 3, अगर आपको टॉप 2 भी पता है तो बहुत पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे अगर हम रैंक देखें तो छत्तीसगढ़ की है, सबसे नीचे रैंक किसकी है, छत्तीसगढ़ की है, तो सबसे लास्ट रैंक छत्तीसगढ़ की है। बड़े राज्यों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बड़े राज्यों की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए टॉप याद रखो, टॉप 2 तो कम से कम याद रखो और लास्ट वाला भी याद रखो, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा आ जाएगा बेटा। अगला सवाल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री डेटा के मुताबिक भारतीय राज्य में कैंसर के सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं किस राज्य में बताएं, बताओ बेटा। रंजीत बेटा, रंजीत बेटा वो दार्जिलिंग नहीं था, वो डिब्रूगढ़ था, ठीक है, मुझे भी पहले दार्जिलिंग ही लगा था इसलिए मैंने उस पर पूरा अनुसंधान किया, उसके बाद वो आंसर आपको दिया था, ठीक है बेटा, डोंट वरी। चलिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और जो है केरला बताएं, ध्यान रखना इसमें जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बेटा, याद रखना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको ये जो है मरीज देखे गए हैं, नंबर सबसे ज्यादा यहां पर न्यू कैंसर केसेस देखने को मिले हैं यूपी में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ये यूपी नंबर 1 है और महाराष्ट्र बेटा आपका दूसरे नंबर पे है, ठीक है, यूपी नंबर 1 है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। अगला सवाल है, अमेजन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां पर खोला है,
अमेजोन इंडिया ने अपना पहला तैरता हुआ स्टोर कहां पर खुला है? गंगा नदी में, यमुना नदी में, अरबियन सागर में, डल लेक में। तो अरबियन सागर में तो खोलेगा नहीं, ठीक है, उस सागर समुद्र में तो ये स्टोर नहीं बनेगा, और गंगा नदी और यमुना नदी में भी नहीं, ये डल लेक है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि डल लेक है जहां आसपास लोग आते हैं घूमने, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, डल लेक, जो कि आपको J&K में देखने को मिलेगा, राइट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक लिखा बेटा AK शाह जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये इंडिया की, ये अभी की न्यूज है, अभी अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है, अभी रिसेंट, एकदम रिसेंट न्यूज है। इंडिया रैंक इन द हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, भारत की जो पासपोर्ट में रैंकिंग है वो कौन सी है? 85, 87, 60 या फिर 90? ध्यान रखना, ये भी रिसेंट आया, बिल्कुल नया सवाल है, क्योंकि पहले जो आप पढ़े थे वो 2023 का था, ये 2024 में आया है। तो इसमें कौन सा जवाब होगा? ध्यान रखना, इसमें जवाब होगा 85, 85 रैंक। कौन सा जवाब है? 85 रैंक है, ध्यान रखना, 85 रैंक है, ठीक है, 85 रैंक है। नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे फ्रांस है, इस बार नंबर वन पे फ्रांस है। और मैं बता दूं, भारत की रैंकिंग पहले से इस बार और ज्यादा डाउन हुई है, यानी कि 2023 की रैंकिंग से 2024 की रैंकिंग में गिरावट आई है। क्या ये गिरावट आई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर जो जवाब था 85 है बेटा, ठीक है, 85 इज द राइट आंसर। ऑल डन, क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस 2023 का जो इंडेक्स है, इसमें पहला स्थान किस राज्य का है? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि कौन सा राज्य है जो एक्सपोर्ट के लिए सबसे अच्छा प्रिपेयर्ड है? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर गुजरात है? बताओ फटाफट से, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या होगा सही जवाब? तो ध्यान रखना, यहां पर आपका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु बेटा, तमिलनाडु इज द राइट आंसर, तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, तमिलनाडु इज द राइट आंसर, जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस में नंबर वन रैंक है इस समय, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, NPCI डेटा के अनुसार जनवरी में UPI लेनदेन का कुल मूल्य क्या था? जनवरी तक का रिकॉर्ड है, अभी दूसरा आया नहीं है, जब दूसरा आएगा तो उसकी भी जानकारी देंगे। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जनवरी में UPI की लेनदेन का टोटल मूल्य क्या बताया गया है, टोटल वैल्यू? तो याद रखना, इसमें जो जवाब है आपका वो है 18.41 ट्रिलियन रुपी। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, परेशानी, इशू किसी भी प्रकार का हो तो बेटा बता देना। और ये आज के लिए आपका अंतिम सवाल था, इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक पुराने सवालों को देखते रहें, कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, इशू हो तो बेटा बता देना। आज के लिए यहीं तक, ओके बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।